हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से स्वागत है सीएलसी की यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं गृहनीति जेई के लेक्चर नंबर 10 की। 9 लेक्चर हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक की डिसाइड कर चुके हैं। जैसा हमने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि हम टोटल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग 34 लेक्चर करेंगे, जिसमें से 11 ऑर्गेनिक के होंगे और 11 इनऑर्गेनिक के होंगे और बाकी रिमेनिंग फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 9 लेक्चर हम ऑलरेडी टॉपिक वाइज आपसे डिस्कस कर चुके हैं, कंसेप्ट भी हमने कई चीजों का बताया है। आज का जैसा टॉपिक नजर आ रहा है आपको, एन कंटेनिंग कंपाउंड एंड एसिड डेरिवेटिव, इसको स्टार्ट करते हैं। माइसेल्फ आरसी देहीवाल और मेरे साथ हैं नदीम सर। हेलो, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस ऑफ बेंजाइल एमीन इज द लीस्ट लाइकली टू वर्क। मतलब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमें बेंजाइल एमीन बनाना है और सबसे कम काम कौन सा करेगा। ठीक है, तो बेंजाइल एमीन क्या है? बेंजाइल एमीन हम बोलते हैं इस कंपाउंड को, CH2NH2। ये कहां कहां बनेगा? तो देखो, AlIL(H4) रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और सबको पता है एमाइड में CO ग्रुप को किसमें रिड्यूस करता है? CH2 में। तो इससे तो बन रहा है सर। बिल्कुल। सेकंड की बात करें NaCN, तो SN2 रिएक्शन होगी, CN- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा और Br को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो पहला कंपाउंड बनेगा आपके पास बेंजाइल साइनाइड, CH2CN। अब वही रिड्यूसिंग एजेंट है वापस, तो AlIL(H4) भी साइनाइड को रिड्यूस करेगा। आप AlIL(H4) यूज में ले सकते हो, निकिल H2 भी यूज में ले सकते हो। साइनाइड को CH2NH2 में कन्वर्ट करता है। तो यहां भी ये AlH डालोगे तो यहां भी ये बन जाएगा CH2CH2 और ये NH2। ये तो नहीं बना। तो यहां तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए यार भाई, एक कार्बन तो इसमें था, एक कार्बन सीएन का आ गया, तो इसमें नहीं बनेगा। अब ये एक वेरी फेमस रिएक्शन है, होपमैन ब्रोमेमाइड, होपमैन ब्रोमेमाइड। और होपमैन ब्रोमेमाइड में हमें बात करते हैं कि सीओ ग्रुप हटा देते हैं, ये यहाँ पे सीओ ग्रुप हट जाएगा और NH2 यहाँ N-1 कार्बन कम होता है इसमें। डिग्रेडेशन रिएक्शन है, कार्बन कम होते हैं, साइनाइड में कार्बन बढ़ते हैं। तो ये होपमैन ब्रोमेमाइड CO को हटा दो और डायरेक्ट इसको लगा दो तो इसमें ये भी बन जाएगा। फिर है मैं NH3 लार्ज एक्सेस में, ये भी बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर ये एक्सेस में दे देता तो 4 डिग्री बन जाता, तो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता। यहां NH3 एक्सेस में दिया है तो ये अटैक करेगा और Br को क्या कर देगा? बाहर। यहां भी SN2 रिएक्शन हो जाएगी और यहां भी बन जाएगा CH2N बेंजाइल एमीन बन जाएगी। तो किसमें नहीं बनेगी? वो है सेकंड। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं कि एल्किल हैलाइड है और ये NH3, अगर एक्सेस में ये दिया है तो 1 डिग्री एमीन मेजर बनेगा, और यदि एक्सेस में ये दे दिया NH3 तो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट मेजर बनेगा। और यदि दोनों इक्विलेंट अमाउंट में दे दिए, मतलब इक्विमोलर दे दिए सर, तो मिक्सर बन जाएगा सर, मिक्सर बन जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बात करें तो एसाइल हैलाइड का सबसे पहले हो जाता है। हाँ, एसाइल हैलाइड, फिर उसके बाद RCOCl, समझते जाना आप, उसके बाद एनहाइड्राइड हो जाता है, फिर एस्टर हो गया, फिर एमाइड हो गया, और फिर एस्टर और उसके बाद अमाइड, एमाइड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो इसका कंसेप्ट क्या है मैं बता दूं रिएक्शन का, पहले डायरेक्ट ट्रिक से बता देता हूं उसके बाद कंसेप्ट की बात कर देता हूं। लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव का प्रिपरेशन नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव अगर बन रहा है ना सर, ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि रिएक्शन मोर रिएक्टिव है तो रिएक्शन वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो देखो, एसिड हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड हैलाइड मोर रिएक्टिव है कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये तो बन जाएगी, ये लेस रिएक्टिव बना है ना, तो ये वाली रिएक्शन तो हो जाएगी। ठीक है, फिर हम सेकंड है एस्टर से HBr की रिएक्शन एसिड हैलाइड बनाया, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी।
क्यों? क्योंकि एसिड एलाइट ज्यादा लिखती है, ये वापस से अटैक करके बीआर को बाहर करके वापस उस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब आप इस चीज को पकड़े, लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव नहीं बनेगा। यहाँ एस्टर से आप एसिड एलाइट बना रहे हो, एसिड एलाइट ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर एमाइड से आपने एसिड एलाइट बनाया तो ये भी हो जाएगी, ठीक है, लेस से मोर बन जाएगा। हाँ, लेस से मोर बन जाएगा, ये वाली लेस से मोर बन जाएगा तो ये वाली हो जाएगी। फिर इसकी बात करें तो ये वाली रिएक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव बनाया तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। सॉरी, ये वाली सेकंड वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां से ऐसा देखा तो हमें पूछा था कि पॉसिबल कौन सी है, तो पॉसिबल तो केवल फर्स्ट और फोर्थ ही है, ये दो ही रिएक्शन पॉसिबल है। वापस से आप सुन लें, कॉन्सेप्ट एक लाइन में बोल रहा हूं, लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव रिएक्ट करके वापस से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। तो देखो यहां एसिड हैलाइड और एसिड, तो एसिड लेस रिएक्टिव है तो ये वाली रिएक्शन तो हो जाएगी, सही बात। फिर एस्टर से बनाया एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव तो मैंने बोला नहीं होगा, लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव तो सेकंड रिएक्शन नहीं होगी। फिर एमाइड से बनाया एसिड हैलाइड तो ये क्या बना, मोर रिएक्टिव बना, लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव नहीं होना है, नहीं होना है, तो ये मोर रिएक्टिव हो गया ना इससे, तो ये वाली भी नहीं होगी। फिर यहाँ एनहाइड्राइड से एसिड बनाया, लेस से अरे मोर से लेस, लेस रिएक्टिव बना है तो ये बन जाएगा, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल, फर्स्ट आंसर चला, तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट, ये NaNO2 देन HCl और देन हीट, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा पहले, ये यहां दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे HNO2 नाइट्रस एसिड, क्या बनाएंगे, नाइट्रस एसिड बनाएंगे। तो ये जो नाइट्रस एसिड बना है इसमें आप ये देखो कि एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन है सर, बेंजीन डाइजोनियम, हाँ, और ये सिंपल सा कांसेप्ट है, देखो आपने सबने पढ़ी होगी ये रिएक्शन, NH2 और ये नाइट्रस एसिड HNO2 डाल दो या फिर NaNO2 plus HCl डाल दो, तो यहां ये डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन है, वो भी 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन रिएक्शन होना चाहिए। तो पहले तो यहां डायजोनियम सॉल्ट बनेगा ये वाला, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना ना वो ये वाला बन जाएगा सर, NH और ये इधर N, ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और ये N। अब इसके बाद आगे देखो, ये रिंग एक्टिवेट है क्योंकि इसका क्या लग रहा है, प्लस R लग रहा है। आगे रिएक्शन जो होगी वो होगी कपलिंग रिएक्शन, आगे रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी कपलिंग रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिंग है, तो इसकी और तो पोर्शन पे देखो, यहां पे ये यहां से यहां नेगेटिव चार्ज आया, ये यहां से यहां टेक करेगा और ये यहां से यहां आ जाएगा, तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल और ये इधर से यहां जुड़ गया, तो ये बनाना NH तो एजिट रह गया, और जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वहीं से H प्लस बाहर हो गया, तो इधर बन गया N डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N और ये वाले ग्रुप एजिट रह गए, ये इधर और ये इधर जुड़ जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट अगर हम देखने जाएंगे, देखिए सर इसमें एक और चीज दिया हुआ है, हाँ, इसने ये बना के बोला कि हीट कर दो, हाँ, हीट करेंगे तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, हाँ, पॉसिबिलिटी हीट करने से नाइट्रोजन निकल जाती है सर उसमें, हाँ, ना? ये भी है, ये भी कि आप हीट करते हो ना तो हीट करने पे N2 बाहर हो जाती है, N2 बाहर हो जाती है, तो N2 बाहर होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे है, तो ESR हो जाएगा क्या यहाँ से, जैसे देखिए जैसे ये N2 बाहर हुई उसके बाद यहाँ से ये SR टाइप का कुछ हो जाएगा इस तरह, हाँ, से कुछ ये देखिए सर इसको एक्टिवेट तो कर ही रहा है और यहाँ से ये इस तरह का, तो इसमें मैं बताऊँ ना क्या होगा, हाँ, N2 जैसे ही बाहर निकला ना तो इस कारण तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बन गया अपने पास, ये वाला बन गया, ये N और ये H और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया सर, अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया ना, ये इस रिंग पे क्या कर जाएगा, अटैक, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, अब ये बीच वाली रिंग एरोमेटिक हो गई सर, और रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स हो गया एरोमेटाइजेशन। तो इसमें कंफ्यूज क्या था, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये थी, बट ये क्वेश्चन करने के बाद में ऑप्शन की तरफ जा रहा था तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि हीट जब दिया ना
तो N2 गैस तो बाहर हो गई, और N2 गैस बाहर हो गई तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट मैंने यहाँ पॉसिबिलिटी बताई थी कि कपलिंग रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, अगर ये ना होता तो ये पक्का कपलिंग ही होता, कपलिंग होता है 100%, और अगर बना भी होगा तो बहुत ही माइनर अमाउंट में बना होगा। तो आंसर इसका जाएगा थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वाली क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ये दिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, और ये एक्टिव मिथाइलिन। तो सर ये जो है एक्टिव मिथाइलिन, ये सॉफ्ट साइड है। सॉफ्ट साइड, बिल्कुल सॉफ्ट साइड। क्यों है? क्योंकि बेस दिया हुआ ना, तो यहां से एच तो जाएगा, एसिड बेस तो सबसे पहले होगी। एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं इसको, अगर CH2 के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए है ना, तो इसको एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। तो इसको सॉफ्ट क्यों बोला मैंने? CH माइनस COEP, और ये COEP, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर भी डिलोकलाइज हो रहा है, इधर भी डिलोकलाइज हो रहा है। डेंसिटी यहां पे कम हो गई, और डेंसिटी कम होगी तो वो सॉफ्ट साइड होगी, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये कांसेप्ट बताया है। तो पहले एडिशन कौन सा होगा? माइकल एडिशन। अब मैं माइकल एडिशन की दोबारा बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे निकालना है, 1 2 एडिशन से डायरेक्ट ट्रांसफर निकालना है। तो देखो आपके पास दिया हुआ क्या है, आपके पास दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, और इधर से आपके पास सी एच, और ये सी ओ ई टी, और ये सी ओ ई टी, ये एच गया, कौन किसने हटाया? बेस ने हटाया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक कर गया, और ये जो एच आएगा ना, ये एच भी इस पे अटैक कर जाएगा। ये अपन भाई डायरेक्ट बता रहे, क्योंकि मैकेनिज्म डिस्कस पिछले लेक्चर में हो गया है, मैकेनिज्म डिस्कस, इसलिए डायरेक्ट बताना। तो पहला जो प्रोडक्ट बना ना, ये डबल बॉन्ड, ये दोनों ऐसे रह गए, ये इधर ऐसे रह गया, ये आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ, और ये सी एच टू, और ये एच, ये रह गया। इधर आपके पास आ गया ये सी एच, ये सी ओ ई टी, और इधर भी सी ओ ई टी। अब बेस दिया हुआ है ना, तो वापस से फर्दर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, वही NaOET दिया हुआ है। ये H यहां से जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये घूम के इस पे अटैक करेगा, ये यहां से हां, और ये यहां से हां, और OET को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो फाइनली अब अगर हम आंसर की बात करेंगे ना, तो थोड़ा सा एक बार रिंग का ध्यान रखेंगे अपन यहां, वरना गड़बड़ होने के चांस होते हैं। देखो यहां से मैं इस पे COOET बाहर हो गया, एसआईएल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, तो ये वन नंबर है, ये टू नंबर है, ये थ्री नंबर है, ये फोर नंबर है, ये फाइव नंबर, और ये सिक्स नंबर है, मतलब सिक्स मेंबर रिंग अपने पास बन गई है। तो मैं सिक्स मेंबर रिंग बना देता हूं सर, ये लो सिक्स मेंबर रिंग पे, एक नंबर पे मैंने सीओ लगाया, फिर उसके पास वाले पे एक नंबर दिया इसको, उसके पास वाले पे सी एच पे, यहां पे क्या लगाया? सी ओ ई टी, दो नंबर पे, फिर तीन नंबर पे दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए, चार नंबर ये आ गया, ये दो नंबर आ गया, ये तीन नंबर आ गया, ये चार नंबर आ गया, फिर पांच नंबर पे वापस से क्या लगाना है? सीओ, और ये आपका छह नंबर आ गया, और ये पांच नंबर आ गया, क्लियर? ठीक है, अब आपको आगे क्या दिया हुआ है? सर देखो हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? एस्टर का क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, सीओएच बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, और सी डबल बॉन्ड ओ, ये दोनों मिथाइल, और ये सी ओ एच। अब आगे हीट और दिया हुआ है, हीट दिया है, और ब्रेट रूल कह सकते हैं या हाँ। नहीं हीट दिया ना, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन। तो हीट दिया है, तो देखो क्या होगा, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड सीओ हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स डी कार्बोक्सिलेशन, और यहां से CO2 क्या हो जाएगी? ये CO2 क्या हो जाएगी? बाहर, और ये H यहां आ जाएगा। तो अपना फाइनली जो आंसर आने वाला है ना इसमें, वो डबल बॉन्ड O, और ये वाला आंसर आने वाला है। एक बात और ध्यान रखना, जैसे सेकेंड टाइम में हम लोगों ने एसिड बेस यहां करवाया है, जबकि यहां पे हाइड्रोजन है, यहां भी करवा सकते हैं, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, ये अगर करा भी दोगे आप, वन टू थ्री फोर मेंबर रिंग बनेगा, ऑप्शन नहीं है, अनस्टेबल भी है, तो आपको ऑप्शन भी इस तरह से सेट किया गया कि आप उसी डायरेक्शन में सोचे, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनिक के आंसर में, आपको ऑप्शन देख के उसी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सारी जनरेट, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, सही बात। तो आंसर यह आया, ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन अपने पास है सर, सेकंड इज करेक्ट आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट, ये
ये जो कंपाउंड है ये NaOBrH2O सर हाफमोन ब्रोमाइड, हाफमोन ब्रोमाइड यस। अब इसमें बच्चा क्या कंफ्यूज होता है मैं बता देता हूं, आप देखो इधर हाफमोन ब्रोमाइड में क्या होता है, इसमें सीधा सा है अगर आपको दो पॉसिबिलिटी है कि NH2 इधर बनाओ या किधर बनाओ, सही तो आपको सीधा सा कंसेप्ट है जिधर OH- अटैक करेगा उधर एसिड बनेगा और अपोजिट साइड NH2 बनेगा, सही बात, ठीक है। तो ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इस NO2 का माइनस आर लग रहा है इस और तो पॉजिटिव, और ये बेटा और यहां पे केवल माइनस आर लग रहा है, तो ज्यादा रिएक्टिव साइड ये वाली है, बिल्कुल। तो जिधर रिएक्टिव है उधर एसिड बनाना है, तो पहले तो मैं डायरेक्ट कांसेप्ट तो इसका बना देता हूं, देखो इधर ये NO2 लिया मैंने और यहां पे लग जाएगा NH2 लग जाएगा क्योंकि CO तो गायब होना है ना, तापमान ब्रोमाइड में CO तो गायब होना है और इधर ये एसिड में कन्वर्ट होगा, आंसर तो ये आने वाला है, एक कार्बन, हाँ कार्बन ज्यादा हो गया ये वाला बन जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन तो है अपने पास से। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो इधर ये था आपके पास NO2 यहां लगा हुआ है CONH और ये CONH, NaOBr का मतलब है कि NaOH प्लस Br2, तो OH माइनस अटैक करेगा सर, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। एसिड बेस की पॉसिबिलिटी से पहले एक चीज और है इसमें, ये OH माइनस, सॉरी वापस से करते हैं, ये OH माइनस इसको हटा लेगा, फिर यहां नेगेटिव चार्ज आएगा Br, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक कर देगा, Br को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो पहले तो ये बन जाएगा N और ये Br, ये C डबल बॉन्ड O और ये NO2, अब OH माइनस इस पे अटैक करेगा, अब किस पे अटैक करेगा ये चीज ध्यान रखनी है भाई, इस पे लग रहा है माइनस R, ये मेटा पे इस पे लग रहा है माइनस आई, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बोनिल कार्बन पे है तो अटैक करेगा इस इधर, ये यहां से हां, ये यहां से हां, ये वापस गया और इस ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो ये बन जाएगा NO2 और उधर बन जाएगा CON- और ये Br, बिल्कुल, और इधर ये COH, अब यहां रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा यहां, तो ये यहां से हां और ये पूरा ग्रुप माइग्रेट होके यहां और ये Br कुछ बन जाएगा, तो यही जोड़ देता हूं ना मैं इसको, क्यों मिलाता हूं, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन रखते हैं एकदम डिटो नजर आना चाहिए बच्चे को, COH। अब ये नाइट्रोजन, ये जो भी ये ग्रुप माइग्रेट होता है ये रिंग से नाइट्रोजन जुड़ गया, तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो HHOHOH और इधर क्या बन जाएगा NH2, तो मेरे कहने का मतलब है जिधर OH अटैक कर रहा है उधर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बिल्कुल, और दूसरी साइड NH2 जनरेट हो जाएगा और फाइनली आंसर आपका आ जाएगा ये वाला NH2 और ये COH और ये NO। नेक्स्ट, ये हमने POC का इक्वेशन डाला है और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखना है 11th क्लास की NCERT में, ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है वहां से आप थोड़ा सा इसको देखिए, फर्स्ट चैप्टर में ही मिल गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ब्लू कलर व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू लेसाने एक्सट्रैक्टेड एंड FeSO4 इज एडेड फॉलोड बाय FeCl3, तो ब्लू कलर कौन बनाएगा, तो देखो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस नाइट्रोजन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डेफिनेटली कार्बन होगा, तो यहां सोडियम एक्सट्रैक्टेड जो हमने दिया है यहां पे, ये लेसाने एक्सट्रैक्टेड में सोडियम काम में लेते हैं, तब बन जाएगा NaCN, तो CN माइनस FeSO4 और FeCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ब्लू कॉम्प्लेक्स, क्रूशियन ब्लू, FeCN6 का थ्राइस, ये वाला बनता है ब्लू, तो ये तो है, तो पहली बात तो ब्लू कलर तभी आएगा जब कार्बन प्रेजेंट हो और साथ में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, डाइजोनियम सॉल्ट ये टेस्ट नहीं देता है क्योंकि नाइट्रोजन निकल लेता है, निकल लेता जैसे है, हीट करते हो निकल, निकल जाता है, अब जैसे ये वाला कंपाउंड नहीं देगा क्योंकि इसमें CN ही नहीं बनेगा, कार्बन ही नहीं है, इसमें CN बन सकता है, इसमें CN बन सकता है तो ब्लू कलर आ सकता है, इसमें केवल सल्फर है तो साइनाइड नाइट्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन है और सल्फर और नाइट्रोजन है तो बनेगा NaSCN और ये देगा ब्लड रेड,
जबकि हमसे पूछा ब्लू कलर, हमसे पूछा है ब्लू कलर कि ब्लू कलर कौन देगा, ये ब्लू कलर नहीं देगा, ये ब्लड रेड देगा, ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का टेस्ट तो हम सिल्वर से करते हैं, Ag2S की ब्लैक पीपीटी आती है सर। तो यहां पे बात करें तो यहां पे तो अपने पास बोला है कि कौन सा देगा, तो यहां पे केवल और केवल कौन देने वाला है, फोर, ओनली फोर थिंग्स करेक्ट आंसर, ये सेकंड आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल लूज द नाइट्रोजन एटम एज ए ट्राइमिथाइल एमीन बाय रिपीटेड होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन निकलती है और ये नाइट्रोजन और एल्फा वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट उस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो जैसे यहां से इधर से तो देखो ये तो टूटेगा नहीं, क्योंकि यहां तो अल्फा बीटा का हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा ये बीटा, अल्फा ये बीटा, तो ये बॉन्ड इधर से टूट गया, तो इधर क्या ट्राइमिथाइल एमीन बनने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इसमें तो नहीं होगा। अब इसमें बात करूं तो ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ये यहां से टूटा सर, वहां से भी टूट सकता है लेकिन डाइमिथाइल ही, हां ये पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, इधर से टूटा, इधर से टूटा, तो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन इधर से तो ब्रेक नहीं हो सकता सर, ये बीटा में है नहीं, हाँ ये भी नहीं टूटेगा, तो केवल नाइट्रोजन फॉर्म में आएगा अपने पास। इसमें बात करूं तो यहां से तोड़ा, यहां से तोड़ा, यहां से तोड़ा, तो नाइट्रोजन फॉर्म में। अब इसमें बात करते हैं, देखो इधर जैसे मैंने इधर से तोड़ दिया तो यहां से फ्री हो गया नाइट्रोजन, रिंग के अंदर है नाइट्रोजन, और फिर मैंने यहां से तोड़ दिया, तो ये दो CH3 एक CH3 आएगा हाफ बॉन्ड मिथाइल, क्योंकि पहले रिएक्शन किससे करवाते हैं, CH3I XS से रिएक्शन करवाते हैं, तो एक CH3 और आ जाएगा। तो मैं इसको बता देता हूं रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन कैसे होगी ये बता देता हूं। ये वाला आपके पास ये नाइट्रोजन यहां है और इधर आपके पास लगा हुआ है ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये कंपाउंड है। तो पहले मैं CH3I XS में ले लेता हूं, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस पे क्या कर देंगे, टेक और आई को क्या कर देंगे बाहर, तो पहले ये बनेगा एंड ये CH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और उसके बाद इधर से ये वाला, ये वाला। अब जब ये टूटेगा ना, तो देखो इधर से टूटेगा, इधर से टूटेगा और इधर से भी टूट, हाँ नहीं यहां नहीं से बाहर हो गया, बाहर हो गया, हाँ सही बात, बाहर हो गया, इधर से टूट जाएगा, तो ये एक मिथाइल, दो मिथाइल और ये तीन ट्राई मिथाइल बन जाए। और ज्यादा आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप जाके अपनी कॉपी में देखें, HEM रिएक्शन हाफमैन एग्जिस्टिव मिथाइलेशन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू यील्ड एरिन डाइजोनियम सॉल्ट, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की, सेकंड क्वेश्चन में बात की हमने, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, दीज डाइजोनियम सॉल्ट आर यूज्ड फॉर कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन में कलर्ड डाई का फॉर्मेशन होता है, फेमस रिएक्शन है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कपलिंग विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको देखो सर, इसका इसको करने का सीधा सा कांसेप्ट है भाई, ये क्या होता है कि एक रिंग जो होती है डाइजोनियम सॉल्ट है ना, N2+Cl-, ये एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की, और दूसरी रिंग जो है ना वो करती है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और रिएक्शन होती है ARSE, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन के लिए इसका न्यूक्लियोफाइल, इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, तो इसकी तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर बढ़ानी है, मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है, तो यहां पे आप इस पे या तो एच लगाओ, या तो सिंपल होना चाहिए, या फिर इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो रिएक्टिव हो जाए। इधर जो दूसरी रिंग है ना, इस पे मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, वो भी ऑर्थो मेटा पे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़िया मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, ये नाइट्रोजन इस पे पैरा पोजीशन पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो कंडीशन क्या आई कि कपलिंग रिएक्शन के लिए जो दूसरी इलेक्ट्रॉन रिच रिंग ले रहा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होनी चाहिए और हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए, हां मतलब OH है, NH2 है, O- है, NME है, ये वाले ग्रुप होने चाहिए जो हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है,
अगर इधर हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं लगाया तो इसको फिर इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बनाओ, ये लगाओ सही बात, दोनों में से कोई एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, दोनों न्यूट्रल है दोनों ही वीक है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अपन यहां देखते हैं, हाँ तो इसका प्लस आर लग रहा है, सही है, तो इसका भी प्लस आर लग रहा है, इसका तो माइनस आई लग गया, इसका तो माइनस आई लगेगा, तो देगा ही नहीं यार, ये देगा ही नहीं रिएक्शन, और इसका भी प्लस आर लग गया। अब प्लस आर प्लस आर प्लस आर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ओ मंच, क्योंकि प्लस आर के साथ इसका प्लस आई भी काम कर रहा है, तो सेकंड, फिर OH और NH2 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, ऐसा ऑप्शन चेक करोगे तो आंसर आपके पास मिल जाएगा थर्ड। नेक्स्ट वही पैराग्राफ चल रहा है, क्वेश्चन है, अब बोला है कि डायजोनियम आयंस के लिए तनु एनायंस की उपस्थिति में फिनोल के साथ डायजोनियम ग्रुप के समक्ष क्रियाशीलता का क्रम, सर उसी उसी क्वेश्चन पे, अब तक वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले की बात कर रहा था, अब इधर बात कर रहा है डायजोनियम सॉल्ट की, अब इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए या तो सिंपल हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होना चाहिए, जैसे ये CH3 का प्लस H लग रहा है तो ये रिएक्शन नहीं देगा, इसमें इसका प्लस आर लग रहा है ये भी लेस रिएक्टिव हो गया, इसका माइनस आर लग रहा है ये भी हो गया, ये सिंपल हो गया, तो सबसे पहले तो थर्ड हो जाएगा, उसके बाद फोर्थ हो जाएगा, अब वहां प्लस एच कम डोमिनेट होता है तो फिर फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट ये रिएक्शन है, देखो जैसा पहले स्ट्रोक इनामिन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमें सिखानी थी क्योंकि इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चंस यहां से आते हैं, इसके रिगार्डिंग हम यहां बात करने वाले हैं। तो एमीन पहले तो पैराग्राफ में कुछ बोला है, इसके रिगार्डिंग बोला है 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन होती है कार्बोनिक कंपाउंड के साथ, 1 डिग्री एमीन इमीन बनाती है, 2 डिग्री एमीन इनामीन बनाती है, तो इसको ऐसे समझे आप, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से ले लेते हैं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है सर, और आपको इधर दिया हुआ है ये वाला एसिडिक मीडियम हमें दिया हुआ है H प्लस, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होके इसके तहत ये पीएच कंट्रोलिंग रिएक्शन है, इस H की पीएच जो होती है वो 4 से 4.5 के आसपास पीएच होती है, इस पीएच पे केवल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है, नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है, तो यहां से ये अटैक करना स्टार्ट करेगा, इस पे H प्लस अटैक करेगा, तो पहले बनेगा ये वाला O H और ये पॉजिटिव, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर जाएगा और ये यहां से, मतलब हमने क्या किया, ये वीक न्यूक्लियोफाइल था तो इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए प्रोटोनेशन किया है इसका, अब ये बनेगा सबसे पहले O H N लगा देते हैं N और यहां पे ये रिंग ये वाला और ये H प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये तो अनस्टेबल टाइप का लग रहा है सब कुछ, हाँ तो देखो यहां से क्या होगा, ये तुरंत H2 क्या हो जाता है यहां से बाहर हो जाता है, और H2 बाहर होते ही जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बनेगा डबल बॉन्ड N, सॉरी ये डबल बॉन्ड आ गया, ये N, ये रिंग और ये, अब ये रेजोनेंस हो जाएगा यहां से, क्यों सर, लोन पेयर, ठीक है, हाँ। तो अब ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, यहां से ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्योंकि कार्बन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो जैसे ही बनेगा ये बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां गया, हाँ, नेगेटिव करिए, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड एन और ये वाला बन गया, तो ये जो कंपाउंड बना ना ये वाला, This is called inamine. Inamine, yes. इस कंपाउंड का नाम है inamine. अरे वही हो गया. Inamine हो गया ये. हाँ. In और amine हो गया, तो inamine हो गया. अब ये यहाँ से आपको न्यूक्लियोफाइल के लिए आगे कुछ दिया हुआ है. पहला. CH3COCl दिया हुआ है. तो ये अटैक कर जाएगा CH3CO. Acyl substitution हो जाएगा. ये अटैक, ये यहाँ से यहाँ वापस आया और Cl को क्या कर देगा? बाहर. तो फाइनली प्रोडक्ट बना ये वाला. यहां पे जुड़ गया CO CH3 डबल बॉन्ड N और ये पॉजिटिव. उसके बाद आगे क्या दिया, देखो आप हाइड्रोलाइसिस H2 दिया है, हाइड्रोलाइसिस हीट भी है, H2O और हीट, तो अब ये यहां से टूट जाएगा यहां से, ठीक है, इधर OH OH और उधर H,
तो ये दो OH आते हैं यहाँ सी डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा और इधर ये सी ओ सी एच थ्री। तो देखो डायरेक्ट वे क्या हुआ, अल्फा पोर्शन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये इसकी अल्फा पोर्शन है ना, इस पे इलेक्ट्रोफाइल कौन था, सी एच थ्री सी ओ ग्रुप, ये वाला वहां जुड़ गया, डायरेक्ट ये आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर ये आएगा। दिस इज स्ट्रोक इनामिन रिएक्शन मैकेनिज्म को ढंग से समझ ले, यहाँ ये वापस से टूट जाएगा तो इधर एच और ओ एच आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट है, हाँ इसको साफ करना एक बार, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये वाला जो ऐसा जो दिया हुआ है ना, बनाया था तो यहाँ पे नेगेटिव आ ही रहा था, अभी आ ही रहा था, अभी हमने बनाया था यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, तो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ये ऐसे ऐसे और ये यहाँ से यहाँ, तो ये बनेगा इसी को इनामिन बोला था, और अब जब ये वापस यहाँ से आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब ये इस पे अटैक कहाँ करेगा, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से, जैसे अटैक होगा ये बन जाएगा, वहां तो आपके पास डबल बॉन्ड एन और ये रिंग एजिट रह गया पॉजिटिव, और इधर आपके पास सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड एन नेगेटिव। अब फिर वापस इसका देखो एच टू दिया है तो यहां से टूट जाएगा, यहाँ कार्बन ही लग जाएगा और लास्ट में क्या लग जाएगा एच लग जाएगा, यहां भी एच लग जाएगा, तो ये फर्स्ट नेक्स्ट। अब यहां आपको स्टेटमेंट दिए हैं, चार स्टेटमेंट दिए हैं और उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला दिया है COH CH2NH COCH3NH इज ए डाइपेप्टाइड ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन, तो थोड़ा सा ग्लाइसिन एलानिन के स्ट्रक्चर पता, तो इसको पेप्टाइड लिंकेज ये रहा ना, हां पेप्टाइड लिंकेज, अब ये तो यहां से तोड़ोगे बिल्कुल, तो यहां H जुड़ जाएगा और यहां OH जुड़ जाएगा, तो ये ग्लाइसिन है बिल्कुल, बट सर ये एलानिन नहीं है, एलानिन नहीं है, ये एलानिन का स्ट्रक्चर तो ये होता है, उसमें एक कार्बन ज्यादा लगा है ना, हां सी ओ एच और ये एनएच2, दिस इज एलानिन, तो ये तो गलत है, डाइपेप्टाइड एलानिन का नहीं है, तो ये गलत हो गया, डाइपेप्टाइड तो है बट एलानिन का नहीं, एलानिन का ग्लाइसिन एलानिन का नहीं है। फिर है कंपाउंड शो कीटो इनोल टोटमेंट में डेफिनेटली शो करेगा, यहां शो ये एच ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो ये कीटो इनोल टोटमेंट में यहां पे डबल बॉन्ड ओ आ गया, यहां एच आ गया, यहां डबल बॉन्ड ओ आ गया और ये करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है, सही है। फिनोल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल कर देगा, सर फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट का CO2 लिबरेट नहीं करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, तो फिनोल तो नहीं देगा क्योंकि NaHCO3 का जो एसिड है ना H2CO3 इससे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये तो नहीं देगा, और बेंजोइक एसिड जो यहां है H2CO3 बेंजोइक एसिड इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां रिएक्शन हो जाएगी, ये तो हो जाएगा सर, और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम, ये तो गलत है सर, तो एक्वस मीडियम में अगर ये दिया हुआ है तो ये होता है 213 डिग्री, तो ये तो गलत है, गलत ऑर्डर है, एक्वस मीडियम में ये होता है 213, आप 213 से याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, एक तो डीहाइड्रेशन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, P2O5 जैसा हमने बोला था कि पिछले लेक्चर में बोला था एमाइड के साथ डीहाइड्रेशन करता है, ये ऑलरेडी सर हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ तो डीहाइड्रेशन देखो पहले कैसा होगा ये बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं बच्चे को, सी ओ एन एच और एच पहले ये टोटोमराइज होता है, और टोटोमराइज जैसे ही इस टोटोमेरिक फॉर्म में इस फॉर्म में जाएगा यहां तुरंत सी ओ एच और ये एन एक ही एच बचा है एन और ये एच टू यहां से क्या हो जाता है बाहर, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी पहले से है तो क्या बना साइनाइड बना, तो पी तो आपका बेंजोनाइट्राइल है, ठीक है, यहां पे Br2KOH हीट और CHCl3OH माइनस, तो पहले तो हाफमान ब्रोमेमाइड भी, तो हाफमान ब्रोमेमाइड जब रिएक्शन हुई
तो CO गायब हो गया, N माइनस वन प्रोडक्ट कर दीजिए, हाँ एन एच टू बन गया, और ये CH Cl3 और KOH है ना, कार्बिल अमीन, ये कार्बिल एमीन टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, कार्बिल एमीन टेस्ट है, और कार्बिल एमीन टेस्ट में NH2 आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है, 1 डिग्री एलिफेटिक हो या एरोमेटिक एमीन हो, उसका है डाइक्लोरोकार्बिन के थ्रू रिएक्शन होती है, कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है और यहां बन जाएगा ये NC, तो बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, PNQ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कुछ लोग कहेंगे कि राइमर टाइमन, ये राइमर टाइमन का भी तो है, हाँ तो भाई ये मोर रिएक्टिव है, इससे अगर कार्बिल अमीन और राइमर टाइमन होता है तो पहले क्या कराना है इसमें, कार्बिल एमीन में और राइमेटिमान में दोनों की पॉसिबिलिटी, दोनों की पॉसिबिलिटी है, पहले कार्बिल एमीन की पॉसिबिलिटी, कार्बिल एमीन की पॉसिबिलिटी, तो ये तो कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। हाँ तो बोला है रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू विल बी मेटामर्स टू ईच अदर, अब इनका रिडक्शन करवाना है, तो इसका रिडक्शन करवाओगे तो बनेगा CH2NH2 और इसका रिडक्शन कराओगे तो 2 डिग्री, अरे काय के मेटामर हुए, ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गए, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन, ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गए, FGI हो गए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ पी, पी का क्या करवाना है, हाइड्रोलाइज्ड करवाना है, तो एक बार बिठा देते हैं इसको, तो पी क्या था, साइनाइड था सर, और साइनाइड का एड्रेस सभी को आता है, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम कराओ या बेसिक मीडियम में करवाओ, ये बन जाएगा COH, ये P था। फिर इसमें बोला है कि इसका बाय ड्राई डिस्टिलेशन हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ P with COH2 का होल टूज, तो पहले बेस के साथ रिएक्शन करवाइए इसकी, कैल्शियम बेंजोएट बन जाएगा सर ये ना, हाँ तो डाई बेसिक ये दो मोल रिएक्ट करेंगे इसके और ये बन जाएगा PHCO और ये CaO CH, इसका ड्राई डिस्टिलेशन हीट करेंगे तो यहाँ से CaCO3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बेंजोफिनोन बन गया, और बेंजोफिनोन बन जाएगा, ये लो बेंजोफिनोन बन गया, दिस इज बेंजोफिनोन, पहले भी नाम बता चुके हैं अपन, ये बेंजोफिनोन। अब देखो बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ पी विद गिव बेंजोफिनोन, ये बात तो सही है, फर्स्ट गलत था, सेकंड सही हो गया, हाइड्रोलाइज्ड बेंजोइड प्रोडक्ट ऑफ क्यू, बेंजोइड प्रोडक्ट, हां बेंजीनोइड प्रोडक्ट ऑफ क्यू, रिएक्ट विद NaNO2HCl फॉलोड बाय रिएक्शन विद फिनोल, हां तो बोलता है गिव ऑरेंज रेड डाई, वही है आपको, अब क्यू का हाइड्रोलाइज करवाना है, मतलब हाइड्रोलाइज्ड बेंजीनोइड प्रोडक्ट, मतलब बेंजीन तो मेंटेन रहेगी ना, तो उसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, मतलब क्यू का हाइड्रोलाइज कराना है, तो क्यू का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो क्यू अपने पास ये था एन सी, और इसका हाइड्रोलाइसिस से 1 डिग्री एमीन बन जाएगा और साइड में फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, अब ये डाइजोनियम दे देगा क्योंकि आगे शायद बोला हुआ है, फिर आगे आपको बोला हुआ है NaNO2HCl से डाइजोनियम सॉल्ट फिनोल के साथ ऑरेंज रेड बन जाएगा, तो यहां पे NaNO2 और ये HCl, ये डायजोनाइजेशन हो गया और ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा N2+Cl-, फिर इसकी रिएक्शन कराई फिनोल से, ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, और ये रिएक्शन कौन सी है, कपलिंग रिएक्शन, रिएक्शन, तो इसकी पैरा पोजीशन पे ये OH और ये N डबल बॉन्ड N और ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, कलर्ड कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है चेक करते हैं, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत था, सेकंड सही, ये सही, इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्यू, ये मैंने बोला था क्यों में, मैंने बोला कार्बिल एमीन टेस्ट हुआ है, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन हो रहा है, डाइक्लोरोकार्बिन होता है, कार्बिन की थ्री रिएक्शन होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही, 2, 3, 4 सही, 2, 3, 4। अच्छा क्वेश्चन था सर, बहुत सारी चीजें पूछी, एकदम एडवांस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहां पूछा है विच आर द करेक्ट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन सही है, तो देखो NH3 एलिमिनेशन भी देता है, सब्स्टिट्यूशन भी देता है, पर सर इसके लिए एक की पॉइंट है बच्चों के लिए, मैं बता देता हूं कि यदि 1 डिग्री हैलाइड है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन होता है, SN2 प्रेफर करेगा, जाएंगे 1 डिग्री हैलाइड होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और यदि 2 डिग्री
हैलाइड साइक्लिक है तब तो एलिमिनेशन प्रीपर होता है, और 2 डिग्री हैलाइड एसाइक्लिक है तो तब सब्स्टिट्यूशन प्रीपर होता है। तो ये 2 डिग्री और साइक्लिक है तो ये यहां बेस की तरह बिहेव करेगा और यहां से HCl बाहर करेगा तो ये रिएक्शन सही है। फिर 3 डिग्री, अब 3 डिग्री तो ऑलवेज एलिमिनेशन की तरफ जाएगा यार, SN2 तो वैसे नहीं देता बड़ा। हां तो SN2 मतलब ही नहीं है क्योंकि ये अटैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये तो गलत हो गई थी। फिर ये 3 डिग्री सही है, ये एलिमिनेशन हो गया यहां से, ये अल्फा, ये बीटा, ये H और ये HCl यहां से बाहर हो जाएगा, ये सही है। और ये हां ये डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम तो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा पहले, सबसे पहले ये वाला बनेगा एन टू प्लस सीएल माइनस, ये वैसे ही बनता है जैसे एरिल पे बनता है, बट वहां रेजोनेंस स्टेबल होता है। ये दिक्कत है यहाँ पे, ये दिक्कत है, ये अनस्टेबल है, और ये तुरंत क्या दे देता है, एन टू बाहर निकलती है और पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर कार्बोकेटाइन में तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो पहले ये रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद वाटर जो निकला ना उसका एच टू इस पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, तो सही रिएक्शन फर्स्ट और फोर्थ सही हो गई, नहीं फर्स्ट फोर और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ सही है, बाकी सेकंड और थर्ड गलत है, ये गलत, हाँ ये सही है ना, ये सही है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही हो गई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये Br2NaOH, तो देखो ये एमाइड के साथ तो इसके साथ तो कौन सी देगा, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, और इधर स्केलेटन है ना, तो देखो ये तो CH3 है ना, इसका तो हेलो फॉर्म बना दिया, और ये हाफमैन ब्रोमाइड में CO2 रूप में बाहर हो गया, ये भी सही है, तो इधर NH2 और इधर सॉल्ट बन गया, तो ये तो सही है। अब ये वाला इसके साथ राइमेटिमान और इसके साथ कार्बिलेमिन, और इधर इसके साथ कार्बिलेमिन, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है, सही है, कार्बिलेमिन में आइसोसाइनाइड में और इसकी ओर्थो पोजीशन पे फॉर्मलाइजेशन, ठीक। फिर यहां HNO2 तो जो मैंने अभी बताया था पहले कार्बोकेटायन बनेगा, ये रिएक्शन है एक वेल नोन रिएक्शन सेमी पिनेकोल पिनेकोल या पिनेकोल डाइजोटाइजेशन, तो पहले यहां कार्बोकेटायन बना, रिंग एक्सपेंशन, फिर रिंग क्या हो जाएगा एक्सपेंशन, और यहां डबल बॉन्ड ओ जनरेट हो जाएगा, तो ये भी सही है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नाइट्रस एसिड आपको दिया हुआ है तो यहां से भी टूटेगा सर, ये यहां से कैसे टूटेगा, H सही है वो रिएक्शन सर, N डबल बॉन्ड O और ये OH, ये नाइट्रस एसिड यहां से टूट जाएगा, N2 बाहर H2 बाहर, तो ये भी निकल जाएगा, सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू मेक इथाइल आइसोसाइनाइड, अब इथाइल आइसोसाइनाइड का पता होना चाहिए, NC दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड, पहला तो कार्बिलेमिन ही हो गया, पहला तो कार्बिलेमिन टेस्ट हो गया, तो हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH2NC, सही है। दूसरा AgCN में तो सबको पता है यहां भी बन जाएगा NC ही बनता है इसमें मेजर, सही है। POCl3 तो यहां से भी क्या होगा, POCl3 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2 बाहर कर दीजिए इसका, यहां से भी ये H2 बाहर हो जाएगा, ये वाला ये H2 बाहर हो जाएगा, ये वाला H भी आ जाएगा, तो यहां भी आइसोसाइनाइड बन जाएगा, KCN से साइनाइड बनता है, सिंपल क्वेश्चन है तो सभी को आता चाहिए बच्चों। ये डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन डाला हमने, एमीन के टेस्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय HNO2, डेफिनेटली कर सकते हैं सर, 1 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड के साथ N2 गैस लिब्रेट करती है, 2 डिग्री एमीन येलो नाइट्रोसो कंपाउंड बनाती है जो आगे GRB टेस्ट देता है, 3 डिग्री एमीन सॉल्ट बनाती है, सॉल्ट बना देती है, तो ये सही बात है। 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड विद HNO2 गिव नाइट्रोलिक एसिड RBC टेस्ट हो गया तो ब्लड रेड कलर विद बेस, नहीं 1 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड की बात की है, रेड कलर तो देता है खैर 1 डिग्री, हां देता है ये, सॉरी ये पूरा टेस्ट जो है ना वो आपका आरबीसी टेस्ट है, विक्टर वेट टेस्ट इसको बोलते हैं, तो नाइट्रो कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और यहां पे नाइट्रो HNO2 के साथ नाइट्रोलिक अम्ल देता है जो
गिव ब्लड रेड कलर विच बेस ठीक है। देखो ये वन डिग्री अमीन मैंने लिखा आर ये सी एच एन ओ टू और इसकी रिएक्शन एच एन ओ टू से होगी ना सर, तो ये एच टू बाहर होगा और ये बनेगा आर ये सी एच नाइट्रोलिक एसिड एन डबल बॉन्ड ओ और ये एन ओ टू, इसी को बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। तो ये सही है, टू डिग्री नाइट्रो कंपाउंड विद एन ओ टू गिव सूडो नाइट्रोलो, ये सही है, ये भी सही है। देखो ये ब्लू कलर देता है, ये आर ये आर ये एच और ये एन ओ टू है और ये एन ओ एच डबल बॉन्ड ओ। एक बार सर इसमें भी थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, साफ करना वहां से एक बार इसको बता देते हैं पूरी को। ऐसे देखो ये वन डिग्री अमीन है, वन डिग्री नाइट्रो और ये टू डिग्री नाइट्रो ठीक है और ये थ्री डिग्री नाइट्रो। अब इसमें नाइट्रस एसिड भी कराओगे ना तो N डबल बॉन्ड O O H और ये H2 क्या हो जाएगा बाहर R C डबल बॉन्ड N और ये O H और ये NO2, ये नाइट्रोलिक एसिड है ठीक है सर। और इसकी बात करूं तो ये भी रिएक्ट करेगा N O H डबल बॉन्ड O, ये H2 बाहर हो जाएगा, ये R ये C N O2 और ये N डबल बॉन्ड O, ये सूडो नाइट्रोलिक। अब ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा आगे वाला क्योंकि H ही नहीं उसके पास, तो और ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा तो डिस्टिंग्विश तो कर सकते हैं। अब इसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये NaOH के साथ रेड कलर देगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं तो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यही इसी कंपाउंड का कलर आ जाएगा कौन सा ब्लू कलर, ब्लू और ये कलरलेस कीजिए। इसी स्टेटमेंट पे हम क्वेश्चन लगा देते हैं। नेक्स्ट वन डिग्री नाइट्रो कंपाउंड ठीक है, ये सही है, ये भी सही है, ब्लू कलर देता है, थ्री डिग्री नहीं करता, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट क्या है इसमें सही। नेक्स्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स हाउ मेनी कैन गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो सबको पता है कार्बिल एमीन रिएक्शन वन डिग्री एमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तो वन डिग्री ये दे देगा, ये दे देगा, इधर हो जाएगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बाकी तो नहीं देगा। आंसर नेक्स्ट हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, ये सी वन डिग्री एमीन का टेस्ट है सी एच टू एच जी सी एल टू की प्रेजेंस में, तो बनता है आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस आइसोथायोसाइनेट, जो मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल रखता है और साइड में एच जी एस की ब्लैक पीपीटी मिलती है। तो यहां वन डिग्री एमीन देता है टेस्ट फॉर वन डिग्री एमीन, बस इसको ध्यान रखिए वन डिग्री एमीन के लिए है चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। तो ये वन डिग्री एमीन ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये भी हो गया, ये वाला हो गया, तो इसमें आंसर आ जाएगा फोर। नेक्स्ट ये NH4SH सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, अच्छा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, अगर दो NO2 तो किसी एक ही NO2 का क्या करेगा रिडक्शन करेगा, तो एक NO2 का किसी का कर दो, ये NH2 और ये NO2, ये आपका फिर Br2 एक्सेस और एक्सेस, तो ट्राइब्रोमिनेशन होता है, बट दिक्कत यहां दिक्कत है ठीक है, ऑर्थो पैरा तो जाएगा, अरे ऑर्थो जाएगा दोनों, हां दोनों ऑर्थो जाएंगे, दोनों ऑर्थो चला जाएगा NH2 Br Br और ये NO2, फिर डायजोनियम सॉल्ट बनाया वापस से, हां तो यहां NH2 में NaNO2 और HCl, तो वहां डायजोनियम सॉल्ट CuBr HBr सैंडमायर, सैंडमायर रिएक्शन वो हट जाएगा वहां से Br आ जाएगा, तो वहां Br आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Br Br Br, अब रिडक्शन कर देना है सर NO2, अब SN plus HCl बोला है तो अब इसका रिडक्शन हो जाएगा, SN plus HCl दे दो या Fe plus HCl दे दो, बेस्ट Fe plus HCl वाला ही होता है, फिर भी ये बन जाएगा Br 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 और ये NH2, फिर वापस से ब्रोमिनेशन, तो अभी इसकी वापस दोनों ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा,
तो फाइनली ये बन जाएगा बी आर बी आर बी आर बी आर बी आर और ये NH2। क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझे? टोटल नंबर ऑफ हैलोजन्स पूछे कितने? हैलोजन तो हो गए 5 हो गए। सेम अच्छा क्वेश्चन है, केवल इसमें मुझे हमें एक ही रिएक्शन में फोकस करना था, ये वाला। ये वाइज सेलेक्टिव रिडक्शन। तो ये था एन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड डेरिवेटिव। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और वीडियो को देखें। रिएक्शन में जहां कोई रिएक्शन की मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आए तो वो हमें कमेंट में बताएं, हम उसको वहां पे आपको एक्सप्लेन करके वापस से बता देंगे। अब लास्ट लेक्चर अपना बचेगा वो पॉलीमर बायोमोलिक्यूलर केमिस्ट्री लैब, वो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।